नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और जो लूसेंट की बुक है उसी को एकदम सरल भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जितना भी कंटेंट लूसेंट के अंदर है वो सभी आपको सीरियल वाइज एकदम सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए लूसेंट बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके के मामले में। तो बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आज के इस लेक्चर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अर्थात CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक चार आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है CAG से रिलेटेड हैं, उन्हें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा पर्सनल ग्रुप तो कम से कम ज्वाइन कर ही लीजिए @currentaffairsbyRavi। अगर लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर तो आप हमारे पर्सनल ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अगर @श्रीएजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे श्री एजुकेशन चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे। @currentaffairsbyRavi से पर्सनल ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में CAG के पद की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 148 में उसकी व्यवस्था की गई है। अर्थात आर्टिकल 148 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक CAG का पद होगा और भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के ये मुखिया होते हैं, मतलब जो ये अधिकारी होते हैं ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर इस पद की व्यवस्था क्यों की गई, मतलब इस अधिकारी की हमारे देश के लिए क्या जरूरत थी। तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब है ये। यहाँ तक कि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि अगर भारत के संविधान में कोई भी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो CAG ही है। आखिर क्यों, क्या करते हैं ये, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था कौन चलाती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलाती है। तो जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो जब भी पैसे कुछ खर्च करती हैं क्या वो पैसे सही खर्च कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा और आपका ही तो पैसा वो खर्च कर रहे हैं। तो उन पैसों को जो खर्च कर रहे हैं सही जगह पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी का पूरा लेखा जोखा CAG करती है। समझ पा रहे हैं, मतलब जो सरकार धन खर्च कर रही है कहीं उसमें करप्शन तो नहीं कर रही है, जितना जरूरी धन खर्च करना उतना ही खर्च कर रही है, कहीं हद से ज्यादा तो नहीं खर्च किया जा रहा है, मतलब कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है। तो इन सब का ख्याल रखना, इन सब का लेखा जोखा रखना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम होता है, इस अधिकारी का काम होता है। हम अब इतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, CAG शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो CAG ये अधिकारी होते हैं ये केंद्र स्तर पर भी काम करते हैं और राज्य स्तर पर भी काम करते हैं, लेकिन दोनों स्तर पर इनका काम अलग अलग होता है। राज्य स्तर पर इनका काम अलग होता है, केंद्र स्तर पर इनका काम अलग होता है। हालांकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 से लेकर 1976 तक राज्य और केंद्र दोनों के लिए ये समान रूप से काम करते थे, मतलब राज्य स्तर पर इनका काम है लेखांकन करने का और लेखा परीक्षण करने का। इनका मैं अभी डीप में आपको मीनिंग समझाऊंगा, लेकिन 1976 के बाद केंद्र के लिए ये केवल लेखा परीक्षण करते हैं, लेखांकन नहीं करते हैं। लेकिन 1976 से पहले अर्थात 1950 से लेकर 1976 तक राज्य और केंद्र दोनों के लिए लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग का काम भी करते थे और लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग का भी काम करते थे। लेकिन 1976 के बाद संविधान में संशोधन कर दिया गया, अब केंद्र सरकार के लिए अर्थात केंद्र स्तर पर ये केवल लेखा परीक्षण करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए लेखांकन का मतलब क्या है, लेखा परीक्षण का मतलब क्या है। मोटे तौर पर समझिए, लेखांकन का मतलब सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है जहां भी खर्च कर रही है उसका लेखा जोखा रखना, और लेखा परीक्षण नाम से ही पता लग रहा है, लेखा परीक्षण मतलब जो सरकार ने पैसा खर्च किया है क्या वो सही खर्च किया है कि नहीं, जितना खर्च करना था उतना ही किया है कि नहीं, सरकार ने जिस काम के लिए पैसा लिया है संसद से या हमारी संचित निधि या आकस्मिक निधि से जितना पैसा निकाला है, मतलब
भारतीय खजाने से जितना पैसा निकाला है किसी काम को करने के लिए, क्या उस काम को सही तरीके से किया है कि नहीं, मतलब उतना ही खर्च किया जितना वहाँ जरूरी था। तो ये है लेखा परीक्षण का मतलब। लेखांकन बस नोट करते जाना, हाँ इतना रुपये खर्च कर दिया, इतना रुपये खर्च कर दिया, इतना यहाँ खर्च कर दिया, उतना वहाँ खर्च कर दिया। जबकि लेखा परीक्षण का मतलब है कि जो रुपया खर्च किया उसकी भी जाँच करना है कि कहीं 100 करोड़ खर्च होना था, कहीं ऐसा तो नहीं 200 करोड़ खर्च कर दिया। तो ये लेखा परीक्षण कहला रहा है। तो केंद्र स्तर पर ये केवल लेखा परीक्षण का काम करते हैं 1976 से आज तक, लेकिन राज्य स्तर पर लेखांकन का भी काम करते हैं और लेखा परीक्षण का भी काम करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैग का काम क्या होता है, जो कैग अधिकारी होते हैं उनका काम क्या होता है। अब बात आती है नियुक्ति की। नियुक्ति का प्रावधान भी आर्टिकल 148 में किया गया है। साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बहुत बार आपको बता दिया, कि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्यवहार में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कैग की नियुक्ति होती है, इस बात का ख्याल रखिए। और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रख लीजिए, बहुत ही इजी है, फ्री के मार्क्स हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और कार्यकाल के बारे में ध्यान दीजिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए देश के नए कैग का सृजन हुआ है, एक नए अधिकारी आए हैं, उनकी आयु 62 वर्ष है, ठीक है, 62 वर्ष की आयु में वो कैग के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो आप बताइए कि उनका कार्यकाल कितना होगा, तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष ही होगा, क्योंकि 62 वर्ष के बाद 3 वर्षों में 65 वर्ष उनकी आयु पूरी हो जाएगी, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र 62 साल है तो अब 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा, नहीं, या तो 6 वर्ष कार्यकाल होगा या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जो कैग अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति होती है 55 वर्ष की आयु में, जब वो 55 वर्ष के थे, तो उनका कार्यकाल कब पूरा होगा, 6 वर्ष के बाद पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप होप समझ गए होंगे। उसके बाद वेतन, वेतन 2.5 लाख का इनका वेतन होता है, वर्तमान में 2.5 लाख रुपये प्रति माह इनका वेतन है, और भारत के संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि, 3 निधियां होती हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। तो संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, एक तरीके से समझ लीजिए कि भारत का खजाना है, ठीक है, भारत सरकार का खजाना। तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना होता है या उसमें जमा करना होता है, तो संसद से धन विधेयक पारित करवाना पड़ता है। और एक होती है आकस्मिक निधि, अगर सत्र नहीं चल रहे होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, मतलब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो संसद से कैसे परमिशन लेके वो पैसे निकाल पाएंगे बताइए। तो इसी कारण से एक आकस्मिक निधि होती है, वो राष्ट्रपति के अंडर में होती है, तो उसमें से पैसे निकालते हैं सरकार अगर संसद नहीं चलती है। अगर संसद चल रही होती है तो संचित निधि से पैसे निकाल लिए जाते हैं, अगर संसद नहीं चल रही है तो कहाँ से पैसे निकालेंगे, आकस्मिक निधि से पैसे निकाले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज ना होइए, संचित निधि, आकस्मिक निधि आगे डिटेल में बताएंगे। उसका योग्यता, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैग का अधिकारी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी होते हैं उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं उन्हीं को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। अब पद से इनको हटाने का तरीका क्या है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है उसी प्रकार इनको भी पद से हटाया जा सकता है। इनको देखिए, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा एक बार हो गई, अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से हटा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें अगर पद से हटाना है तो वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में इनको हटाने के लिए बिल पारित करना पड़ेगा, वो भी 2/3 बहुमत से, उसके बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। तो उसके बाद देखते हैं वर्तमान में कैग कौन है, राजीव महर्षि।
राजीव महर्षि वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इस बात का ख्याल रखिए। और पहले कैग नरहरी राव थे। और एक नोट लिख लीजिएगा, कैग का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या था कि राष्ट्रपति जब चाहे मंत्री परिषद की सलाह से हटा दे अपने पद पर, लेकिन कैग का पद प्रसाद पर्यंत नहीं है राष्ट्रपति के। इससे पहले आपने महान्यायवादी पढ़ा, तो महान्यायवादी का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नहीं हटा सकते, इस बात का आप ख्याल रखिए। अब देखिए आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या क्या है एक नज़र में देख लेते हैं। राज्य और केंद्र दोनों के लिए ये काम करते हैं। इनका कार्य क्या है, राज्य के लिए भी है और केंद्र दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग से कोई पोस्ट है, ऐसा नहीं है। ये कार्य केंद्र के लिए भी और राज्य दोनों के लिए करते हैं, जबकि महान्यायवादी क्या है, केवल केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं और राज्यों के लिए अलग होते हैं, जिन्हें राज्य के महाधिवक्ता कहा जाता है। उसका देखिए, भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से जितना भी खर्च होता है उसका लेखा परीक्षण करने का काम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। भारत की संचित निधि मतलब भारत का खजाना, मान लीजिए भारत सरकार का खजाना, राज्यों का खजाना। मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे चलकर जब संचित निधि आकस्मिक निधि पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि से जितना खर्च होता है उसका भी लेखा परीक्षण करने का काम कैग का है। और सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों का भी जांच करना कैग का काम है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे NTPC जो कंपनी है, BSNL है, सेल है, गेल है, भेल है, IOCL है, जो सरकारी कंपनियां हैं वो कितना खर्च कर रही हैं, क्या खर्च कर रही हैं, उनका भी लेखा जोखा करने का काम कैग का है, इस बात का भी आप ख्याल रखिए। और सभी सरकारी खरीद और बिक्री की भी जांच करना इनका काम है। कोई भी खरीद की जाती है सरकार के द्वारा, कोई भी चीज़ बेची जाती है, उनका भी लेखा जोखा रखना कैग का काम होता है। जैसे कोई पुराने जहाज बेचे गए या नए जहाज खरीदे गए, तो ये पूरा जांच करना इनका काम है। उसके बाद याद रखिए, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं, ऐसा आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है। तो चार आर्टिकल है, चारों आर्टिकल आपको समझ में आने चाहिए। 148 पहले आपने पढ़ लिया, और 149 कार्य शक्तियाँ पढ़ ली, और 151 अब पढ़ा रहे हैं। तो कैग अपनी जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट, जैसे केंद्र सरकार के जितने भी खर्चे हैं, मतलब केंद्र लेवल पर जितने भी जो खर्चे हो रहे हैं, जो भी खर्च हो रहा है, उसका जो लेखा जोखा जो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। और जो राज्यों में जो राज्य की सरकार है जो अपना खर्च कर रही हैं, उनका जो लेखा जोखा होगा वो उस राज्य की राज्यपाल को सौंपते हैं। तो समझ पा रहे हैं आप ना, जो कैग ने जो काम किया है, जो अपनी रिपोर्ट बनाई है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर जो उनकी रिपोर्ट है वो अपने राष्ट्रपति को देंगे, और राज्य स्तर पर उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे, ऐसा आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है। और एक आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैग जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्य के लेखा का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब वो लेखा जोखा करने का जो तरीका है, जो प्रारूप है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कैग का ही है, ऐसा आर्टिकल 150 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो 148, 149, 150, 151, ये चार आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 148 में क्या था, कैग के पद की व्यवस्था की गई है, और ये इनका काम राज्य स्तर केंद्र स्तर दोनों पर होता है। हालांकि राज्य स्तर पर लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का भी काम होता है, और केंद्र स्तर पर केवल ऑडिटिंग का काम है। 1976 से पहले राज्य और केंद्र दोनों में इनका काम सेम था। और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है, वेतन इनका संचित निधि से दिया जाता है, वर्तमान में 2.5 लाख रुपये इनका वेतन है। योग्यता क्या होनी चाहिए, जो IAS अधिकारी, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी होते हैं, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।
और पद से हटाने का तरीका साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा उसी प्रकार इन्हें भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से हटा दें, अर्थात इनका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके वर्तमान में ये कैग कौन है, राजीव महर्षि हैं। पहले सबसे पहले भारत के कैग कौन थे, नरहरी राव थे। तो कैग का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। कार्य और शक्तियों का जो उल्लेख है आर्टिकल 149 में किया गया है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए ये काम करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम हो गया। भारत की जो संचित निधि है और राज्यों की जो संचित निधि है, अर्थात जो कंसोलिडेट फंड है इन भारत का और राज्यों का, उसमें कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उसका लेखा जोखा करने का जो अधिकार है वो कैग को है। और भारत की आकस्मिक निधि और राज्यों की आकस्मिक निधि में जितना खर्च हो रहा है उसका भी लेखा परीक्षण ये करते हैं। सभी सरकारी कंपनियां, जैसे जो सरकारी कंपनियां NTPC, BSNL, गेल सेल, ये कितना खर्च कर रही हैं, कहाँ खर्च कर रही हैं, उसका लेखा जोखा भी कैग ही करते हैं। और सभी सरकारी जो खरीद और बिक्री होती हैं उनकी भी जांच करना इन्हीं का काम होता है। और कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं, ऐसा आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है। मतलब जो भी इन्होंने केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं उनका जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की हुई है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जबकि राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपेंगे, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 150 तो आपको मालूम ही पड़ गया। तो ये थी पूरी जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम संसद पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, मगर स्क्रीन पर 4 एपिसोड आ रहे हैं वो देख लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।